मुंशी शरण सिंह ने दिया बड़ा बयान, WFI चीफ संजय सिंह से रिश्ते पर दिया जवाब। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी हमला, मस्जिद में घुसकर रिटायर्ड SSP की गोली मारकर हत्या। महाआरती में शामिल हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की तीर्थराज ब्रह्म सरोवर की पूजा अर्चना। उत्तराखंड में पहली बार होगी शीतकालीन चार धाम यात्रा, 27 दिसंबर से शंकराचार्य करेंगे शुरुआत। बारिश के साथ होगी नए साल की शुरुआत, दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक बदलेगा मौसम। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि उनका अब इस खेल से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उनके पास कोई अन्य जिम्मेदारियां हैं, उन्होंने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में शामिल है। बृजभूषण ने भाजपा के अध्यक्ष JP नड्डा से मिलने के बाद ये टिप्पणी की है। इससे पहले खेल मंत्रालय ने WFI को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया था। वहीं बृजभूषण शरण सिंह ने WFI चीफ संजय सिंह से रिश्ते पर जवाब देते हुए कहा कि संजय सिंह भूमिहार है, मैं राजपूत हूँ, क्षत्रिय हूँ, रिश्ता हो सकता है, दोस्ती हो सकती है, वो 15 साल से कुश्ती से जुड़े हुए हैं, क्या कुश्ती जगत में कोई ऐसा है जो मुझसे परिचित ना हो। जम्मू कश्मीर के बारामूला की एक मस्जिद में आतंकवादियों ने सेवानिवृत्त SSP मोहम्मद शफी मीर पर गोलीबारी की। घटना सुबह 6 बजे की है, जब सेवानिवृत्त SSP मस्जिद में अजान के लिए गए थे, जहां 2 आतंकियों ने उन पर फायरिंग कर दी। आनन फानन में मोहम्मद शफी मीर को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। देश पर एक और शहादत हुई है, जहां फिलहाल पूरे क्षेत्र को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है और आतंकियों की तलाश शुरू कर दी गई है। नॉर्थ कश्मीर के बारामूला इलाके गुंटमुला में आज सुबह सवेरे ही मिलिटेंट्स ने एक रिटायर्ड SSP पे गोलियां चला ली। जब वो रिटायर्ड SSP एक मस्जिद में जो है अजान देने के लिए गया था, हालांकि पूरे इलाके में अभी सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट जो है एक मस्जिद में घुस के उस रिटायर्ड SSP जिसकी शनाख्त जो है मोहम्मद शफी मीर करके हुई है, उस पर फायर खोल दिया। हालांकि उसको हॉस्पिटल लेके चले गए थे, जहाँ पर वो अपनी जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ बैठा। उसके साथ साथ ही वरिष्ठ अधिकारी जो पुलिस के हैं, सेना के हैं, वो घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और बड़े पैमाने पर अभी भी इलाके में सर्च अभियान चलाया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज कुरुक्षेत्र में पहुंचे और गीता जयंती के अवसर पर आयोजित सभी कार्यक्रमों में भाग लिया, जहां सुबह गीता पाठ में शामिल हुए, शाम को सन्निहित सरोवर पर दीपदान के बाद ब्रह्म सरोवर की होने वाली संध्याकालीन आरती में भी भाग लिया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि 2016 में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती को अंतर्राष्ट्रीय रूप दिया गया था, जहां पहले हजारों की संख्या में लोग गीता जयंती देखने पहुंचते थे, वहीं अब ये संख्या लाखों में पहुंच चुकी है। उन्होंने कुरुक्षेत्र में सिख संग्रहालय के लिए जमीन को लेकर कहा कि कुरुक्षेत्र में GT रोड पर सिख संग्रहालय के लिए जमीन दी जाएगी और एक भव्य शिक्षा संग्रहालय बनाया जाएगा। जैसा हमको मालूम है कि लगातार पिछले 8 साल से, यानी 2016 से लेकर अब तक 2023 तक, गीता महोत्सव का रूप बदल करके और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती इस नाम से इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। मुझे प्रसन्नता है ये बताते हुए कि उत्तरोत्तर हर वर्ष गीता जयंती का ये स्वरूप ये निखरता आ रहा है। पहले तो केवल कुरुक्षेत्र में होता था, बाद में देशव्यापी बना 2002 में, लेकिन 2016 से अंतर्राष्ट्रीय बनने के बाद न केवल अपने प्रदेश और देश के लोग बल्कि दुनिया के कई देशों के लोग इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। और इस बार के कार्यक्रम में संख्या के नाते अगर मैं कहूं तो 30 लाख से ज़्यादा फुटफॉल हुआ है इन 17 दिनों में, कल 18वां दिन है। तो इस प्रकार से इस कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए हमें लगता है कि गीता का संदेश जो 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने दिया था अर्जुन को, वो संदेश दुनिया के लिए भी उतना ही यानी एक प्रकार से उपयोगी है, तो दुनिया के देश भी इसको।
उत्तराखंड में पहली बार ऐतिहासिक शीतकालीन यात्रा की शुरुआत होगी। आमतौर पर चारधाम यात्रा की शुरुआत उत्तराखंड में गर्मियों में होती है, लेकिन पहली बार शीतकालीन यात्रा पोस्ट मास में शुरू होने वाली है। यात्रा की शुरुआत जगतगुरु शंकराचार्य करेंगे। शंकराचार्य के प्रतिनिधियों ने रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। सीएम धामी ने चारधाम यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी हैं। 7 दिन की शीतकालीन तीर्थ यात्रा की शुरुआत आगामी 27 दिसंबर से होगी, जबकि इसका समापन 2 जनवरी को हरिद्वार में होगा। यात्रा के आमंत्रण के लिए ज्योतिमठ का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री धामी से मिला और यात्रा का आमंत्रण पत्र दिया। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा 2500 साल पहले स्थापित परंपराओं का निर्वहन करते हुए ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य शीतकालीन पूजा स्थलों की तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य परंपरा के इतिहास में यह पहला अवसर है जब ज्योतिष पीठ के आचार्य उत्तराखंड स्थित चार धाम के पूजा स्थलों की तीर्थ यात्रा की जा रही है। नए साल के आगमन के समय दिल्ली समेत देश के उत्तर पश्चिम इलाकों के मौसम में बदलाव हो सकता है। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम में 30 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच बारिश का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक 30 दिसंबर से 2 जनवरी 2024 के दौरान मध्य भारत समेत उत्तर पश्चिम इलाकों में बारिश हो सकती है। वहीं अगर दिल्ली के मौजूदा मौसम की बात की जाए तो इस समय दिल्ली समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। इसलिए अगले 5 दिनों तक मौसम में नमी रहेगी और इस बीच बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में 26 दिसंबर से आसमान में बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है और इस बीच तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। इसके अलावा नई दिल्ली में सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह के समय हल्की धुंध देखी जा सकती है। कोरोना फिर भारत में तेजी से बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में 322 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसी के साथ एक्टिव केसों का आंकड़ा 3742 पहुंच गया है। केरल में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, वहीं कर्नाटक महाराष्ट्र में भी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। वहीं WHO ने तेजी से बदल रहे कोरोना के इस नए वेरियंट से सावधानी बरतने को कहा है। बताया जा रहा है कि ठंड का मौसम होने से कोरोना का नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। केरल में रविवार को कोरोना से एक और मौत हुई है। राज्य में पिछले 4 दिनों के दौरान 7 लोगों की मौत हो चुकी है। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा एक्टिव केस है। पिछले 24 घंटे में यहां 425 नए मामले सामने आए हैं। देशभर में पिछले 24 घंटे के दौरान 656 केस मिले हैं। वहीं एक्टिव केसेस की संख्या 3742 हो गई है। 24 घंटे में 333 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। केरल के बाद कर्नाटक में कोरोना का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। यहां 24 घंटे में 104 नए मामले सामने आए हैं और 8 लोग ठीक हुए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या कर्नाटक में 271 हो गई है। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।